हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। कृषि कानूनों के विरोध में लगातार आंदोलन पर डटे किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है। किसानों को इस बंद में दूसरे संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। किसानों के भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, कई रूट्स को भी डायवर्ट किया गया है। भारत बंद से एक दिन पहले सोमवार को किसान संगठनों ने सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भारत बंद को सहयोग देने की अपील की और कहा कि जल्द से जल्द तीनों कृषि कानून वापस ले सरकार, वरना रेल यात्रा भी बाधित होगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश के किसानों का पूरा समर्थन है। इस दौरान किसान संगठनों का कहना था कि हम पूरी तरह से बंद के लिए तैयार हैं, कानून किसानों के हित में नहीं है, हमें कनाडा से भी समर्थन मिल रहा है। किसानों के भारत बंद के मद्देनजर प्रशासन ने भी सोमवार को बैठक की। हरियाणा सचिवालय में हुई बैठक का में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में की गई। हरियाणा के गृह सचिव और डीजीपी समेत आला अधिकारी समेत तमाम अधिकारी शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम जिलों के अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें दिशा निर्देश दिए गए। भारत बंद के दौरान लोगों को किसी तरह की दिक्कत न आए इसे लेकर मीटिंग हुई। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली सीमा पर जारी आंदोलन का 13वां दिन है आज। किसान संगठनों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि जब तक तीनों नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसानों के भारत बंद के आह्वान पर साइबर सिटी के शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जनता को भारत बंद के दौरान परेशानी से दोचार ना होना पड़े इसके लिए आधा दर्जन रूट को डायवर्ट किया गया है और तमाम चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती की गई है। गुरुग्राम से बाहर नंबर की संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग को भी तेज किया गया है। जिला प्रशासन की माने तो शहर के सभी मुख्य चौक चौराहे पर मेन रोड खुले रहेंगे। शहर में तमाम जरूरी चीजें मसलन बिजली, पानी, रेल और बस सेवा सामान्य दिनों की तरह चले इसको लेकर भी व्यवस्था की गई है। किसानों के भारत बंद के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, जाखल, लोहट्टू, बूना में 14 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। कृषि कानून के विरोध में किसान संगठन कई दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के धरने में जहां विपक्षी राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है, वहीं हरियाणा की कई खाप पंचायतें भी किसानों को अपना समर्थन देने दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रही हैं। करनाल में बंद को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। एसपी गंगाराम पुनिया ने कहा कि सभी व्यापारियों और मंडी एसोसिएशन से भी संपर्क किया गया है ताकि व्यवस्था ठीक से चल सके। गोहाना अनाज मंडी के आढ़तियों ने एक मीटिंग कर किसान आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि गोहाना के अनाज मंडी में पूरी तरीके से बंद रहेंगी। बंद के दिन ना तो मंडी में कोई खरीद होगी और ना ही आने वाली फसल को मंडी में उतरवाया जाएगा और ना ही बेचा जाएगा। आढ़तियों का कहना है कि किसानों और व्यापारियों का चोली दामन का साथ है और वे पहले ही दिन से किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं, वो भी सरकार के इन तीन कृषि कानूनों का विरोध करते आ रहे हैं। जब तक सरकार किसानों की बातें नहीं मानती तो किसानों को आढ़तियों का समर्थन जारी रहेगा। किसानों के भारत बंद पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भारत बंद का कांग्रेस समर्थन करेगी। केंद्र को 9 दिसंबर का इंतजार नहीं करना चाहिए, केंद्र को तुरंत किसानों की मांगें माननी चाहिए। हुड्डा ने कहा कि नए कानून से देश में दो मंडियां बन जाएंगी। नए कानून में कंपनियां अपने हिसाब से रेट तय करेंगी, कृषि कानूनों से किसानों को नुकसान होगा। हुड्डा ने कहा कि हमने राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। हम चाहते हैं कि तुरंत विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। वहीं जेजेपी और निर्दलीय विधायक किसानों के पक्ष में बयान दे रहे हैं। सत्र में विधायकों के दावों और हकीकत का पता चल जाएगा। सरकार अल्पमत में है, सत्र बुलाना चाहिए। तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने किसानों की ओर से भारत बंद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों की ओर से किए जा रहे भारत बंद का समर्थन करती है। किरण चौधरी ने कहा कि किसान ठंड में बैठे हैं लेकिन सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। दुर्भाग्य की बात है कि सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने के बजाय इस आंदोलन को खत्म करने की साजिश रच रही है।
किरण चौधरी ने कहा कि सरकार की ओर से धरना स्थल पर जैमर लगाए जा रहे हैं, जिससे इस मुद्दे को सोशल मीडिया में कम दिखाया जाए। कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान पर किरण चौधरी ने कहा कि पहले वो कहते हैं कि सभी आंदोलन करने वाले कांग्रेसी, और फिर उन्होंने कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। अब वो एसवाईएल नहर की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस नहर की कृषि मंत्री बात कर रहे हैं, उसका फैसला तो बहुत पहले ही हरियाणा के हक में आ चुका है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार कोरोना की आड़ में ये तीनों काले कानून लाई। उन्होंने कहा कि किसान का आंदोलन और उनकी मांगे पूरी तरह से जायज हैं, और सरकार को किसानों की सभी मांगों को मानना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि किसानों के आंदोलन में सभी आगे आ रहे हैं, लेकिन जेजेपी अब भी कुर्सी से चिपक कर बैठी है। किसानों के भारत बंद पर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसानों का भारत बंद शांतिपूर्ण रहे, कांग्रेस का अल्पमत में सरकार वाला आरोप गलत है। वहीं दिग्विजय चौटाला ने विशेष सत्र बुलाने की मांग को गलत ठहराया है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हुड्डा, शैलजा, सुरजेवाला के मंसूबे कभी सार्थक नहीं होंगे। जेजेपी के चार विधायकों के किसानों को समर्थन पर भी दिग्विजय ने कहा कि सभी 90 विधायक कृषि कानूनों का हल चाहते हैं। किसानों के आंदोलन के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम शुरू से किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं, मैं किसानों की मांग से सहमत हूं, मुझे लगता है कि उनकी सभी मांगे जायज हैं, सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। मैं यहां मुख्यमंत्री बनकर नहीं आया, मैं यहां किसानों का सेवक बनकर आया हूं। मैंने यहां की व्यवस्था भी देखी है, कुछ पानी की दिक्कत है। भारत बंद पर उन्होंने कहा कि हम भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, आपके सभी कार्यकर्ता को इसमें शांतिपूर्वक शामिल रहना है, हम इस बंद को सफल बनाएंगे। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो मुझे 9 स्टेडियम को जेल बनाने के लिए कहा गया, मगर हमने नहीं बनाया। मुझे कई फोन आए, बहुत दबाव भी था, लेकिन मैंने अपनी जमीर की सुनी। मुझे लगता है कि उस फैसले के कारण किसान आंदोलन को मजबूती मिली है। किसानों के समर्थन में अब तक कई राजनीतिक दल आ चुके हैं। वहीं अब बसपा प्रमुख मायावती ने भी साथ देने की बात कही। दिल्ली समेत देश के बाकी हिस्सों के ऑटो टैक्सी यूनियन मंगलवार को होने वाले भारत बंद में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली में आम लोगों को टैक्सी और ऑटो लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कई यूनियंस ने भारत बंद का समर्थन किया है। दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रमुख के मुताबिक उनके समेत कुछ अन्य टैक्सी संगठन 8 दिसंबर यानी कि आज भारत बंद में भागीदारी करने के लिए काम बंद रखेंगे। पिछले कई दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान डटे हुए हैं। आज भारत बंद के दौरान दिल्ली में आने जाने का पूरा रास्ता ठप करने की बात कही गई है। भारत बंद से अगले ही दिन किसानों और सरकार के बीच एक और दौर की बातचीत होगी, जिसमें कोई हल निकलने के आसार हैं। सिरसा से लगातार किसानों का दिल्ली कूच जारी। सोमवार को भी दर्जनों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिल्ली के लिए रवाना हुए। बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चल रहे पक्के मोर्चे के धरने से किसानों का जत्था रवाना हुआ। किसानों के समर्थन में लगातार जत्थे रवाना हो रहे हैं। दिल्ली रवानगी से पहले पक्का मोर्चा धरना स्थल पर किसानों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना था कि जब तक काले कृषि कानून वापस नहीं होते, तब तक वो दिल्ली में रहकर विरोध जताएंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चरूनी ने एक वीडियो जारी कर लोगों से 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद के लिए समर्थन देने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने इसे सफल बनाए जाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि आंदोलन केवल किसानों का नहीं बल्कि देश के हर वर्ग का है। उन्होंने कहा कि देश का हर वर्ग इन कानूनों से प्रभावित होने वाला है। उन्होंने कहा कि आप सभी इस भारत बंद में सहयोग करें और सुबह से शाम तक बाजार को बंद रखें। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हमें आंदोलन को शांतिप्रिय तरीके से करना है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई शरारती तत्व ना आए। गुरनाम सिंह चरूनी ने कहा कि दोपहर 3 बजे तक देश की सेवा समझकर सभी अपने अपने संस्थान बंद रखें।
पंचकुला में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना अभियान तेज कर दिया। नगर निगम के चुनाव को लेकर पंचकुला से विधायक और हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्पीकर ने बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में नहीं उतारा जाएगा। उम्मीदवारों के नाम 12 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। स्पीकर ने यह भी बताया कि चुनाव बीजेपी और जेजेपी साथ मिलकर ही लड़ेंगे, जिसे विकास के नाम पर लड़ा जाएगा। कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव के लिए सलाहकार समिति का गठन किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने इस कमेटी का गठन किया। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव के लिए समिति का गठन किया गया है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 1392 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। गुरुग्राम में 356 और फरीदाबाद में 280 नए केस सामने आए हैं। वहीं सोनीपत में 59 और हिसार में 85 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटों में 24 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक कुल 2611 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक कुल 2,45,288 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 2,140 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उधर पंचकुला में 69 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है और 2 कोरोना संक्रमित मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। सेक्टर 21 में 73 साल के बुजुर्ग व्यक्ति और सेक्टर 25 में 78 साल की बुजुर्ग महिला की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। बता दें कि पंचकुला में कोविड रिकवरी रेट घटकर 93.32% तक पहुँच गया है। पंचकुला में अब तक कुल 135 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। मौजूदा समय में केवल 570 कोरोना ग्रस्त सक्रिय मरीज हैं, जिनका इलाज स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि अब तक 176 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। फरीदाबाद में भी 280 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। 250 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य होने की दर 49.49% हो गई है। बीते 24 घंटे में 3 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। प्रदेश में ठंड के साथ कोहरे का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कालावली में आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला। इस दौरान विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे के साथ हादसों ने भी दस्तक दे दी है। रोहतक हिसार रोड पर एक ट्रैक्टर और हरियाणा रोडवेज की बस में जोरदार भिड़ंत हो गई। वहीं कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण एक बस में मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी। हालांकि गनीमत यह रही कि इस दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हादसे में बाइक सवार को चोट आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कलानौर कस्बे में कोहरे ने वाहन चालकों की परेशानी को बढ़ाना शुरू कर दिया है। बता दें कि इससे पहले कोहरा ना होने के चलते किसानों के चेहरे मायूस थे। वहीं अब कोहरे की शुरुआत के साथ किसानों का कहना है कि उनकी फसलों के लिए ये कोहरा फायदेमंद है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बाल मजदूरी करते हुए पुलिस ने 5 बच्चों को रेस्क्यू किया। स्टेट क्राइम ब्रांच और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बल्लभगढ़ के IMT इलाके में ढाबे पर काम कर रहे 5 बच्चों का रेस्क्यू कर उन्हें बाल मजदूरी से आजादी दिलाई। लॉकडाउन के दौरान नगर परिषद धामनौत ने नारनौल के बाईपास स्थित एक रिजॉर्ट में अनियमितताएं पाए जाने के बाद उसे सील कर दिया था। नगर परिषद ने 3 महीने की छूट देते हुए अनियमितताओं को पूरा करने के आदेश दिए थे। साथ ही किसी भी तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटी ना करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन रिजॉर्ट मालिक छूट का दुरुपयोग कर रहा है और बिना किसी डर के शादियों की बुकिंग भी ले रहा है। जब इस पूरे मामले पर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऑफिशियल रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। अंबाला के बाजारों समेत हाईवे पर परिषद अधिकारियों के बिना इजाजत के लगे विज्ञापन बोर्ड नगर की सुंदरता को खराब करने में लगे हुए हैं। यहां तक कि एक यूनिवर्सिटी और कुछ नेताओं समेत आईलीट कंपनियां के विज्ञापन बोर्ड भी नगर परिषद अधिकारियों के बिना इजाजत के लगाए गए हैं। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी का कहना है कि शिकायत मिलने पर समय समय पर ऐसे अवैध रूप से लगाए गए सरकारी पोल पर विज्ञापन बोर्ड को हटाते रहे हैं। एक बार इनके खिलाफ फिर अभियान चलाया जाएगा। उनका कहना था कि कई बार इस तरह के अवैध रूप से विज्ञापन बोर्ड लगाने वालों को जुर्माना भी किया जाता है, साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी जाती है, लेकिन चेतावनी देने के बावजूद भी सरकारी पोल पर बोर्ड टांग रखे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए पॉलीथीन पर बैन लगाया हुआ है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो सरकारी आदेशों की अवहेलना करने पर तुले हुए हैं। प्रशासन लगातार पॉलीथीन पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई कर रहा है। फरीदाबाद नगर निगम की टीम ने एनआईटी 60 फुट रोड पर पॉलीथीन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान दुकानों पर छापे मारे गए और जो भी दुकानदार पॉलीथीन रखे हुए पाए गए उनके चालान काटे गए। होटल की अपराध शाखा पुलिस ने एक कैंटर से 50 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी। दरअसल मुखबिर की सूचना पर नेशनल हाईवे 19 कोची नहर के पास नाका लगाकर शराब पकड़ी गई है। बता दें कि शराब को धागों के बंडलों के बीच छुपाकर यूपी में ले जाया जा रहा था, लेकिन कैंटर चालक जाम का फायदा उठाकर गाड़ी को मौके पर ही खड़ा करके भाग गया। पुलिस ने बताया कि गाड़ी के नंबरों के आधार पर मालिक और चालक की पहचान हो चुकी है, जल्दी चालक और मालिक को गिरफ्तार किया जाएगा। जुलाना पुलिस को गश्त के दौरान एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कच्चा बाईपास से एक युवक को हथियार समेत गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि बाईपास के पास एक युवक का हथियार लेकर घूम रहा है। पुलिस ने मौके पर जाकर तफ्तीश की और उससे 32 बोर अवैध पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। डीएसपी पुष्पा खत्री ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। इस पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। यमुनानगर के मॉडल टाउन में एक सलून में चोरों ने धावा बोल दिया। इस दौरान तीन बाइक सवार सलून का ताला तोड़ अंदर घुसे और सलून में कैश, ट्रिमिंग मशीन और इन्वर्टर लेके फरार हो गए। पूरी वारदात पास में एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें इन चोरों की करतूत साफ दिखाई दे रही है। वही सलून चलाने वाले का कहना है कि पड़ोस के लोगों ने उसे ताला टूटे हुए होने की सूचना दी थी। जब उसे देखा तो सलून से 3000 कैश, इन्वर्टर और मशीन का ऐप मिली, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रेवाड़ी में एक पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। पीड़ित परिवार का कहना है कि 12 नवंबर को उनके पड़ोस में रह रही महिला और उसकी बेटी ने उनके घर से जेवरात और नकदी की चोरी की, जिसके बाद उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी। परिवार के मुताबिक पुलिस ने पहले समझौते का जवाब बनाया और फिर जब बात नहीं बनी तो कार्रवाई की बात कह रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि तकरीबन 1 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। कैथल के कस्बे राजौन में सड़क हादसे में एक बीएसएफ के जवान की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक बिहार का रहने वाला है, जो दिल्ली से फिरोजपुर जा रहा था। गाड़ी में उसके साथ उसकी पत्नी और लगभग 4 साल की बेटी थी। इस हादसे में बीएसएफ जवान की पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई। सड़क हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। जांच अधिकारी कृष्ण कुमार ने कहा कि हमें सूचना थी कि राजौन में एक कैंटर और गाड़ी की टक्कर हो गई है। गाड़ी में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जब इन चारों को कैथल के हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था, उस दौरान बीएसएफ के जवान, उसकी पत्नी और बेटी ने दम तोड़ दिया। बीएसएफ के जवान के परिवार वालों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिसके आधार पर पता चला कि मृतक बीएसएफ का जवान है। अंबाला में एक्सपायरी परफ्यूम नष्ट करते वक्त लगी आग में 4 लोग झुलस गए। मामला जसमीत नगर का है, जहां पर एक परफ्यूम के गोदाम से खाली प्लांट में एक्सपायरी बोतलें नष्ट करते यह हादसा हुआ। लोगों का कहना है कि जोरदार धमाके के साथ आग भड़की। आग की लपटें इतनी भयंकर थीं कि लपटों पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की मदद ली गई। घायलों को पहले सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए उन्हें चंडीगढ़ रेफर किया गया। घायल युवकों के परिजनों ने मांग की है कि पुलिस परफ्यूम गोदाम के संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच करें। हादसे के वक्त सभी युवक गोदाम में परफ्यूम के डिब्बे तोड़ने का काम कर रहे थे। पहले एक डब्बे में आग लगी और जोरदार धमाके के साथ आग ने गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। लोहारू में मालगाड़ी के जनरेटर रूम में भीषण आग लग गई। ट्रेन लोहारू के ढाणी अकबरपुर के पास रुकी हुई थी, जिसके बाद अचानक ट्रेन के जनरेटर रूम में आग लगने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये सिद्ध किया है कि संघर्ष, दृढ़ संकल्प, मेहनत और साहस से मनुष्य कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बाबा साहब 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने 64 विषयों में पैरा स्नातक करने के अलावा 21 साल तक विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का गहन अध्ययन किया। बाबा साहब ने देश के 14 से 8 घंटे काम का समय निर्धारित करवाने में योगदान दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि हम सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए।